हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम द लिविंग वर्ल्ड एडॉप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशंस लेक्चर को सामने बढ़ाने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स से। टेक टू पॉटेड प्लांट्स, वन अ कैक्टस एंड अदर अ लीफी प्लांट। टाई प्लास्टिक बैग्स लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट for early in the morning. In the afternoon, bring those pots into the dark classroom and observe them. हमें यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए बोली गई है, जहाँ पर हमें कहा है कि दो जो है वो हमें गमले में प्लांट्स लगाने हैं, दो पॉट्स में हमें प्लांट्स लगाने हैं, एक कैक्टस का प्लांट लगाना है और एक कोई अदर लीफी प्लांट लगाना है। उन प्लांट्स को हमें प्लास्टिक बैग, लूजली प्लास्टिक बैग से टाई करना है, उसके लीव्स पे जो है हमें प्लास्टिक बैग्स लगानी है उन प्लांट्स के लीव्स पे, और उन्हें सनलाइट में छोड़ देना है कुछ समय के लिए सुबह। उसके बाद में आफ्टरनून को हमें उन्हें हमारे क्लासरूम में वापस लाना है और ऑब्जर्व करना है कि हम उनमें क्या चेंजेस देखते हैं। ठीक है, हैज़ दी सेम क्वान्टिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ दी बैग्स। अभी हमें यह पता चल रहा है इन दोनों में से कि दोनों प्लांट्स में जो है दो वाटर बैग्स हमने लगाई थी, प्लास्टिक बैग्स हमने लगाई थी, उन प्लास्टिक बैग्स में जो वाटर है वो सेम है क्या, जैसे कैक्टस प्लांट हमने एक लगाया था और एक हमने अदर लीफी प्लांट लगाया था, उन दो जो प्लांट्स है वो दो प्लांट्स में जो प्लास्टिक बैग है उसकी उसमें वाटर लेवल सेम है कि नहीं। डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होती है उनकी जो लीफलेट्स होती है, जो लीव्स होती है, लीव्स होती है, वो स्मॉल नीडल्स जैसी होती है और वो मॉडिफाइड थॉर्न्स जैसी होती है, जैसे हमें यहाँ पर 1.4 कैक्टस केस में देखने के लिए मिल रही है। As a result, they lose very little water by evaporation. Evaporation से ये बहुत ज़्यादा कम water का loss करते हैं desert plants. For example, हम cactus की बात कर रहे हैं। The stem stores water and food and is therefore fleshy. जो stems है वो water और food को store करती है, इसीलिए हमें इसकी जो stems है वो green color की fleshy नज़र आती हैं। द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन एब्सेंस ऑफ द लीव्स। देखो, जब डेजर्ट जो प्लांट है उनमें जब लीव्स नहीं होती है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टेम करते हैं, मतलब ये जो हमें इसके जो स्टेम्स दिख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। मतलब डेजर्ट प्लांट जो होता है उनके जो स्टेम्स होती है वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ताकि वो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन, वाटर एंड फूड एब्जॉर्व करके रखे, इसीलिए वो फ्लैशी ग्रीन भी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इंटू द सॉइल एंड सम रूट्स स्प्रेड अवे इंटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। देयर इज अ थिकर लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स टू। देखो, जैसे हमने कल एक्वेटिक प्लांट्स में देखा था कि इनमें वैक्सी लेयर होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में हमने देखा था कि ये देखो इनमें भी वैक्सी लेयर होती है, वैसे ही ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें भी वैक्सी लेयर, वैक्सी सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। इन कैक्टस जो है, फॉर एग्जाम्पल हम कैक्टस की बात कर रहे हैं, कोई भी अगर डेजर्ट प्लांट हो तो उनके जो रूट्स है वो सॉइल में स्प्रेड हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो जितने ज़्यादा स्प्रेड होंगे सॉइल में उतना उनको पानी का और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्व करने के लिए एरिया मिलेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवरी रीजन। इन व्हाट वेज आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोई रीजन। अब हम बात करेंगे स्लोपिंग ब्रांचेस की। जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है वो किस तरह प्रकार से प्लांट्स को हेल्प करती है स्नोई रीजन में। ठीक है, प्लांट्स ऑफ अ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड
कॉन्फर्स लाइक डेटोर एंड पाइन. हमने पिछले बार भी बात की थी कि जो कश्मीर है वो कोल्ड रीजन है, स्नोई रीजन है, और वहाँ पर हमें प्लांट्स लाइक पाइन और डेडोर देखने के लिए मिलता है. दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. ये जो ट्रीज है वो स्लोपिंग ब्रांचेस होने के वजह से कॉनिकल होते हैं शेप में. इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन देयर रीजन्स देयर कॉनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क्स हेल्प द ट्री टू विदस्टैंड द कोल्ड. देखो जो ये जो हमें इस प्रकार से इनकी जो शेप्स दिख रही है, इनकी लीव्स की ब्रांचेस की जो ये हमें शेप दिख रही है, जब भी कोई स्नोफॉल होता है तो जो स्नो है वो पूरे ट्री को कवर ना करे, इसीलिए ये स्लाइडिंग, इसीलिए ये स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ताकि यहाँ पर अगर स्नोफॉल हो और स्नो यहाँ पर अगर गिर जाए तो वो कलेक्ट ना रहे और वो नीचे गिर जाए. ठीक है, मतलब वो क्या होगा कि कॉनिकल शेप जो है वो स्नो को जमा होने से, एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे स्नो को जमा होने से प्रिवेंट करती है कॉनिकल शेप जो है ट्री का वो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडॉप्टेशन इन प्लांट्स फॉर फॉरेस्ट रीजन्स. अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. देखो ट्रीज़ जो है वो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, श्रब जो है वो मीडियम प्लांट्स होते हैं, और हर्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं. दिस प्लांट्स कंप्लीट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर सनलाइट, हेंस ट्रीज ग्रो टॉल एंड गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ द ट्रीज. देखो क्लाइंबर्स मतलब जो वेल होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, बिटर गार्ड का जो ट्री होता है वो क्लाइंबर होते हैं, मतलब वो वेल होते हैं, वो कोई सपोर्ट से ग्रो करते हैं, ताकि हम आर्टिफिशियली उन्हें कोई सपोर्ट दे या फिर नेचुरली कोई ट्री का सपोर्ट लेके वो ग्रो करते हैं. जो फॉरेस्ट में ट्रीज ग्रो करते हैं वो खुद के लिए फूड कलेक्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, और सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो ट्रीज में प्रेजेंट होता है उससे वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और खुद का फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशंस. यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने के लिए मिलते हैं. एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस. बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड, फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. देखो रूट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जो एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स है, जो भी बुशेस ग्रासेस हम देखते हैं, जैसे कई प्रकार के गार्डन्स में हम जाते हैं, लॉन्स में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ग्रासेस देखने के लिए मिलती है. कई कोई पार्क में चले गए, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस दिखती है. तो ये जो ग्रासेस है इनकी जो रूट्स है वो फाइबरस रूट्स होती है. ठीक है, इनकी फाइबरस रूट्स होने के वजह से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है. फॉरेस्ट इन द इक्विलेटरल रीजन आर डेंस. जो फॉरेस्ट होते हैं इक्विलेटरल रीजन में वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं. जैसे जो कोई भी फॉरेस्ट हम देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्री ग्रो करते हैं, ठीक है, तो जो इक्विलेटरल रीजन है फॉरेस्ट का उसमें बहुत ज़्यादा डेंस ट्रीज का ग्रोथ होता है. यहाँ पर फॉरेस्ट की हमें यहाँ पर एक इमेज देखने के लिए मिल रही है. यहाँ पर देखो ये जो है इसे हम ट्री कहेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है तो इसे हम शर्ब कहेंगे, फिर से उससे छोटा होगा तो हम उसे हर्ब्स कहेंगे. ठीक है, एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस. देखो जो हम लॉन में वगैरह देखते हैं, पार्क्स में देखते हैं, वो ग्रासेस जो है वो छोटी होती है, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं. ठीक है, बड़ी ग्रासेस होने की वजह से जैसे हम कभी जंगल सफारी करने चले गए तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रासेस देखने के लिए मिलेंगी फॉरेस्ट में, जंगल में. ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उनके पीछे कोई टाइगर, लायन या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो है वो छिपकर बैठ सकता है. हाउएवर ग्रासेस इन द कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट. ये हमें याद रखना चाहिए कि जो कोल्ड रीजन होता है, जहाँ पर ठंडा इलाका होता है, वहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, इसीलिए वो शॉर्ट होती हैं. एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस.
Vast meadows are found in hilly areas as well as the plains. देखो जो रैबिट होती है वो छोटे ग्रासेस में पाए जाते हैं, ठीक है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द एडॉप्टेशंस इन द पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट, याम, वाटर हाइसिंथ, एलो, एसाइन, कैरट, ओनियन, बीट, बिटर गार्ड, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा एंड अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग. इन सभी प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशंस को हमें देखने के लिए मिलता है. एडॉप्टेशंस फॉर इंजेशंस ऑफ फूड इन प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एनकोर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती है. ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद का खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट इसमें बताया था कि फोटोसिंथेसिस के वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, और वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और खुद का फूड खुद बनाता है, ठीक है. हाउएवर प्लांट्स लाइक डेडोर दैट इज कस्कटा एंड पैरासिटिक, द प्लांट बॉडी ऑफ डेडोर कंसिस्ट ऑफ येल्लो वायरी लाइक स्टेम. देखो यहाँ पर हमें कस्कटा का जो है वो एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है, और ये येल्लो जो है ये येल्लो वायर्स जैसे हमें कुछ दिख रहे हैं, ये स्टेम है. इट इज लीफलेस एंड कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. देखो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, लीफलेस होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास लीफ ही नहीं होता है. अगर कोई प्लांट में लीफ है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इन प्लांट्स में लीफ ही एब्सेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. हाउएवर इट हैज़ होस्टोरियल सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट प्लांट. ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे ये कोई भी प्लांट पर बैठ जाएंगे, कोई भी प्लांट, इनकी जो रूट्स है वो कोई भी प्लांट से जो है वो न्यूट्रिशन खुद में ले लेंगी. दिस रूट्स पेनिट्रेट अपॉन द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड फूड. ये जो रूट्स है वो दूसरे प्लांट्स के वेसल्स में होस्ट की तरह वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो होस्ट प्लांट से वाटर और फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है. फंगी डो नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सिमिलरली फंगी जो होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मैंने अभी बताया था, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये जो अपने फूड है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्ट्रेची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड. जो भाकरी और ब्रेड जो हम बनाते हैं, जो रोटी हम बनाते हैं, वो रोटी में कैसा है, फंगस लग जाता है, फुली लग जाती है, हम जिसे फुली बोलते हैं, फुली लग जाती है, तो वो फंगस होता है. वो फंगस जो है वो ब्रेड पर रहता है और वो वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करता है. दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ. प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डेफिशियंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, सनड्यू, विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स. Adaptations are seen in these plants which serve to attract insects and hold them captive. देखो ये जो प्लांट्स है वो उन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, और ये जो प्लांट्स है वो सॉइल से इन सारे चीज़ों को लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें, राइट. और जो ट्रीज होती है उनमें कुछ एडॉप्टेशंस भी देखी गई है कि ये जो है वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को भी वो अट्रैक्ट करती है, राइट. अभी हम बात करेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल्स की. तो मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड टू योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट.
Discuss the habits, food habits, characteristics of the body structure like vertebral column, wing, gills, tail, etc. and prepare a chart. देखो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करना है कि उनका हैबिटेट क्या है, उनका फूड क्या है, उनकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे उनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट्स है, उनमें गिल्स है, विंग्स है, टेल्स है, ये सब के बारे में मैं आपको फर्दर बताऊँगी. ठीक है, वॉट डिफरेंसेज डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स. मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होती है वो लैंड में रहते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो वाटर में रहते हैं. एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंजेस. फिशेज हैव स्केल्स ऑन द स्किन्स एंड फाइन्स ऑन द बॉडी. देखो फिशेस जो है उनके बॉडी पर स्केल्स और स्केल्स रहती है उनके स्किन पर और फाइन्स जो है वो उनकी बॉडी पर रहते हैं. देयर बॉडी टेपर टूवर्ड्स बोथ इट एंड्स लाइक अ स्पिंडल. फिश ब्रीथ विद द गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज. देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नोज से जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जो फिश है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है. देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलीड्स. इनके जो आइज है उनमें ट्रांसपेरेंट आईलीड्स प्रेजेंट होता है. दे हैव एयर ब्लंडर विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट. ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस. ये देखो हमें फ्रॉग, डक और टॉर्टोइस ये सब एक्वेटिक है, ये सब पानी में रहते हैं, तो इनके भी बॉडी जो है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो फीचर्स है, हैबिटेट है, वो एक्वेटिक एनिमल जैसी ही होंगी. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स. व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. ऑफ व्हाट यूज आर दी लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग. व्हाई डज अ डक गेट वेट इन द वाटर. देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए. एज द फ्रॉग एंड डक हैव द वेब्ड टोज होते हैं. देखो इनके टोज कैसे होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं. ठीक है, दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ऑर्क्स. वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ द ब्लड बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन. वेब टोज, स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प द फ्रॉग टू स्विम इजिली थ्रू वाटर. ये देखो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं. जैसे क्या हेल्प करता है फ्रॉग को स्विम करने के लिए, उनका जो ट्रायंगुलर हेड है वो हेल्प करता है फ्रॉग को स्विम करने के लिए. आप इंटरनेट से कुछ फ्रॉग के फोटोज देख लीजिए, आपने रियल लाइफ में भी फ्रॉग देखा होगा, उनका जो हेड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है. ठीक है, इस वजह से उन्हें स्विमिंग में हेल्प हो जाती है. दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू स्किन इन वाटर यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड. देखो जो फ्रॉग होता है वो दोनों जगह हमें दिखने को मिलता है, वो लैंड पे भी हमें दिखता है और वाटर में भी हमें दिखता है. जब वो लैंड पर होता है तब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और जब वो वाटर में होता है तब वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. ठीक है, द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस. ठीक है, जो फ्रॉग का जो बैक होता है, जो पिछला हिस्सा होता है, वो हेल्प करता है, टिपिकल कलर्स होते हैं उसमें, तो वो हेल्प करता है फ्रॉग को कोई भी ग्रासेस में छुप कर रहने के लिए. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडॉप्टेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारा सेकेंड लेक्चर भी ख़त्म कर रही हूँ और ये जो बाकी का हमारा पार्ट है एडॉप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, ये हम फर्दर लेक्चर में करेंगे. इफ़ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको अगर कुछ चाहिए और कोई और लेक्चर चाहिए जो मैं स्टार्ट करूँ, कोई लेसन चाहिए जो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट करिए. नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू वॉच रखिए, मैं कंटिन्यू आपके वीडियोस प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, और ये लेसन जैसे ही ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसका अपलोड कर दूँगी. थैंक यू एवरीवन.